यूनाइटेड नेशंस दुनिया की सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 193 कंट्रीज यूएन का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, कई ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है। तीन सबसे पॉपुलर नाम, कोसोवो, वेटिकन सिटी और ताइवान। साल 2008 में कोसोवो ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी सर्बिया देश से, और यूनाइटेड नेशंस के 100 से ज्यादा मेंबर्स एक्चुअली में कोसोवो को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, लेकिन इसे यूएन में एंटर नहीं करने दिया जाता क्योंकि रशिया और चाइना वीटो कर देते हैं। दूसरा, वेटिकन सिटी को लेकर बात हुई थी 1944 में कि इसे यूएन में दी जाए या ना दी जाए, लेकिन बेचारी वेटिकन सिटी को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा देश है। लेकिन 1964 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस जरूर दिया। तीसरा, ताइवान सबसे शॉकिंग नाम है जो इस लिस्ट में आता है, क्योंकि साल 1945 में ताइवान यूनाइटेड नेशंस के फाउंडिंग मेंबर्स में से था और यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसे हिस्सा मिला था। लेकिन 25 अक्टूबर 1971 को यूनाइटेड नेशंस ताइवान की सीट चाइना को दे देता है और बदले में ताइवान को बाहर निकाल दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस। 1971 के बाद से जब भी ताइवान ने यूएन का हिस्सा बनने की कोशिश करी है, चाइना ने हमेशा इसे वीटो कर दिया। एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा क्यों किया, इसकी पूरी कहानी मैंने बताई थी चाइना ताइवान के वीडियो में। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए ध्रुव राठी ताइवान चाइना, आपको ये वीडियो मिल जाएगा।